अश्लोक संख्या 5, अश्लोक संख्या 5, गुणेषु एव कर्तव्यः, गुणेषु एव कर्तव्यः प्रयत्न पुरुषः सदा गुणयुक्त दरिद्रोपि नो ईश्वर गुणैः समः। गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्यः पुरुषः सदा, गुणेषु गुणों में प्रयत्न कोशिश पुरुषे पुरुषों के द्वारा कर्तव्य करना चाहिए। ही मैंने ही सदा मैंने हमेशा गुणयुक्त गुणवान दरिद्र गरीब अपि मैंने भी ईश्वर ऐश्वर्यशाली समह समह समान नो मैंने नहीं गुण ही मैंने गुणों से। इसमें अव्यय है बेटा एव, एव मैंने ही, ही मैंने निश्चय ही, समा मैंने समान, इसमें पर्याय पद है अगुण ही गुणरहित, दरिद्र निर्धन, गुणयुक्त गुण संपन्न, समह समान। विलोम पद है अगुण ही स्वगुण ही दरिद्र धनिक सदा कदाचित गुणयुक्त गुणहीन क्षमा समह असमह। अब इसका अर्थ होगा मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गरीब होता हुआ भी वह गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता। गरीब होता हुआ भी वह गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे अधिक श्रेष्ठ होता है, अर्थात वह उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। ये इसका सरलार्थ हुआ। फिर से एक बार सरलार्थ समझ ले, मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गरीब होता हुआ भी वह गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे भी श्रेष्ठ हो जाता है। गरीब हो, गुणवान हो, ऐश्वर्यशाली हो और गुणहीन हो, उससे बेहतर है वो। अब इसका प्रश्न आएगा, पुरुषे केषु प्रयत्न कर्तव्य, पुरुष को किस में प्रयत्न करना चाहिए? तो गुणेषु, पुरुषे कदा प्रयत्न कर्तव्य? सदा, एक पद में। गुणयुक्ता दरिद्र भी कई समह नो भवति, गुण से युक्त दरिद्र भी किसके समान नहीं होता। गुणयुक्त दरिद्र भी गुणहीन ईश्वर और गुण ही समह नो भवति। इसलिए निर्देश देके हमेशा आंसर दें, कर्तव्य इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्, कर्तव्य जो क्रिया है उसका कर्ता क्या है? पुरुष है। जब तब्यत प्रत्यय होता है तो कर्ता अपने थर्ड फॉर्म में होती है। अश्लोके धनिका इति पदस्य विलोम पदम किम दरिद्र, गुण संपन्न इति पदस्य पर्याय गुणयुक्त। तो इस प्रकार अश्लोक संख्या 5 तक का आज मैंने सरलार्थ किया। फिर अगली कक्षा में कल मैं दशम का भेजूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में नवम क्लास का मैं वीडियो भेजूंगा। धन्यवाद।